सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। जियो फाइबर की एक अच्छी खबर देने वाला हूं दोस्तों आप सभी को दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त गवाए दोस्तों। इस टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोज़ का आप इतना प्यार नहीं देते, फिर भी मैं आपकी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ आपके लिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। वीडियो को बताऊँगा आपको जियो फाइबर के बारे में दोस्तों। जियो फाइबर दोस्तों एक बार फिर विकम लॉन्च होगा दोस्तों इंडिया में। वो लॉन्च होगा दोस्तों सितंबर में, अगस्त और सितंबर में कभी भी वो लॉन्च हो सकता है इंडिया में स्पेशली। आप कहेंगे भाई यार एक बार वो लॉन्च हो चुका है भाई, उसको भाई दोबारा से लॉन्च नहीं किया जा जाएगा, बल्कि एक जो नई है तरकीब लाई गई है जियो के द्वारा, मतलब कि जो प्लान्स है वो फिर से एक्टिवेट किए जाएंगे। मतलब कि यार स्पीड बढ़ाई जाएगी 200 MB/s से, स्पीड KYC बढ़ाई जाएगी इसकी, तो नए प्लान्स बढ़ाए जाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिवेट किया जाएगा अगस्त में, ठीक है ना। आपको पता ही 12 अगस्त को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जो मीटिंग होती है ना उस टाइम पे बहुत कुछ होता है, तो वो उस मीटिंग पे होगा वो। आप कहें बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम पड़ा है अभी, तो भाई भाई यार एक्टिवेट प्लान हो रहे हैं नए नए, ठीक है ना। तो एक मैं आपको और नई बात बता देता हूँ कि इसमें क्या आपको फ़ायदा बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आप माई जियो ऐप के बीच ही एक्टिवेट कर सकते हैं नए प्लान, ठीक है ना। आप जैसे रिचार्ज करवाना है आपको घर बैठे, आपको घर बैठे रिचार्ज करवाना है तो आप एक्टिवेट करवा सकते हैं जियो को कह के। आपको एक रिक्वेस्ट करनी है तो आपको कूपन मिल जाएगा, उसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे आप कहेंगे यार जियो ऐप से वैसे नॉर्मली करा लेंगे, पर भाई उसमें आपको बहुत ही सिंपल मिल गया, एक टाइम पर रिचार्ज मिल जाएगा 2 GB मिल जाएगी, बाद में चाहे दूसरे तीसरे दिन आप परचेज़ करके चला लीजिए। बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये जियो के लिए। अगर बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। लाइक टारगेट ओनली 500 है, ज़्यादा नहीं रखूँगा, 500 रखूँगा। पिछली वीडियो रखा था, लाइक आपने किया नहीं था, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।